फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बैटरी के बारे में बता रहा हूँ इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, बट उसके पहले ये चीज़ बताता हूँ इंस्पेक्शन करने से पहले क्या क्या चीज़ आपको सेफ्टी में चाहिए जो पीपीई की होती है। तो सबसे पहले देखिए, आपको हेलमेट चाहिए, ठीक है, सेफ्टी के लिए। दूसरा आपको गूगल्स चाहिए, जो कि आपको ये कवर वाला चाहिए, ठीक है, 3M की, ठीक है, जिसमें क्या होता है पूरी आपकी आइस कवर होती है कि कहीं से भी एसिड आपके ऊपर ना जाए, आंखों में ना जाए, क्योंकि आंखों में जाएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से आपके ग्लव्स हो गए, क्योंकि ये कंपलसरी है, कहीं पे भी किसी भी कंपनी में आप काम करना ये चीज़ अपने पास आप रखना, क्योंकि ये कंपलसरी है। बिना इसके अगर आपने कहीं काम किया या कोई सेफ्टी आपको पकड़ लिया तो भी आपके लिए दिक्कत है, और बिना इसके काम नहीं करना आप, क्योंकि कई बार एसिड हमारी होती है कि ख़राब हो गई रहती हैं, बहुत ज़्यादा दिन चली रहती हैं, और उसमें से कोई चीज़ आता है तो फिर बॉडी में पड़ गया या हाथों पड़ गया या आँखों पड़ गया तो खुजली करने लगता है, फिर आँखों पे बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ यूज करने के बाद से आपको आगे वोल्टेज की या जो भी लेना है करना है, बैटरी कभी भी काम करना है, ये चीज़ करना ही करना है, ठीक है। चलिए आगे की वीडियो में शुरू करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। कैसे आप लोग, आई होप यू आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताता हूँ 4 फीट की इलेक्ट्रिकल बैटरी का वोल्टेज की हम कैसे लेते हैं, और पर सेल की वोल्टेज हम मल्टीमीटर से कैसे लेते हैं, कितने सेट करके, और ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से हम कैसे लेते हैं, ठीक है। जो बताओ ये सारी हमारी बैटरियाँ हैं, आपको बताते हैं। ये हमारी देखिए 48 वोल्ट की है, 480 एच की है, ठीक है। अब इनका हम आपको दिखाते हैं कि वोल्टेज और ग्रेविटी कैसे लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा मल्टीमीटर है, ठीक है। हमें अगर टोटल वोल्टेज लेना है तो हम उनको हम 200 पे करेंगे डीसी के, ठीक है, 200 पे करेंगे। और सिंगल सिंगल का लेना है पर सेल का, तो उसको 20 पे करके लेते हैं, 20 पे, ठीक है। तो आइए मैं टोटल वोल्टेज पहले आपको दिखाता हूँ कैसे लेते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर हो गया और हमने 200 पे सेट कर दिया, दिखाइए। अब देखिए 51.2 हो गया, यानी ये चार्ज है, ठीक है, ये टोटल वोल्टेज है, ठीक है। 3 वोल्ट हमेशा ज़्यादा दिखाती है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक सेल का लेके दिखाता हूँ कैसे लेते हैं, ठीक है। और जहाँ से हम वोल्टेज शुरू करते हैं लेना, जिस सेल से, उसी सेल से हम ग्रेविटी भी लेते हैं, ठीक है। तो हम ग्रेविटी स्टार्ट करते हैं माइनस से, मैं वोल्टेज माइनस से हम स्टार्ट करते हैं पर सेल का। ये हमारा मल्टीमीटर का हमने 20 पे सेट कर दिया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 20 पे सेट है। अब मैं पर सेल का आपको लेके दिखाता हूँ, देखिए, और ये देखिए कैसे लिया हमने पर सेल का, ठीक है, 2.12, देखिए 2.12, ऐसे हम पर सेल कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे इसका हो गया, ये देखिए, और ऐसे भी ले सकते हैं, फिर ऐसे भी उसका बोला होता है कि ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत कम है तो ऐसे हम ले सकते हैं। अगर ऐसे जैसे एक में तो पिन वाला होता है ऊपर से ट्रेस कर देते हैं, सेकंड में क्या होता है कुछ नहीं दिखता है, तो इसमें क्या था हम इस वायर में इनको ट्रेस कर देते हैं। ये देखिए हमने प्रेस कर दिया, आपके सामने है, हमने प्रेस कर दिया, ठीक है। एक ही सेल का मैं ले रहा हूँ आपके सामने, सबका 2.12 आ रहा है, ठीक है, सबका तकरीबन आपका ऐसे ही आएगा,
तकरीबन सारे सेल का आपका ऐसे ही आएगा, मैं ले रहा हूँ, मैं देखिए ठीक है 2.12 आ रहा है। और एक चीज़ आपको और सिखाता हूँ, लीकेज करंट कैसे हम लेते हैं। लीकेज करंट क्या होता है कि हम एक माइनस से लेते हैं, प्लस से लेते हैं। तो लीकेज करंट ये देखिए, हमने लीकेज करंट के लिए भी हमें मल्टीमीटर पे डीसी में 200 एम सेट कर लेते हैं और हम एक वायर को माइनस प्लस पे लगा देते हैं, ठीक है, और एक हम इसके बॉडी में टच करते हैं। माइनस स्क्रीन का चेक किया तो नहीं आ रहा है, और देखिए मैं प्लस से भी चेक कर रहा हूँ तो भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारे इस बैटरी में लीकेज करंट नहीं है, इस बैटरी में वोल्टेज लीकेज करंट नहीं है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हाइड्रोमीटर से हम कैसे इसका ग्रेविटी देते हैं। बस ये हमारा देखिए हाइड्रोमीटर है, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोमीटर है जो कि देखिए 1100 से स्टार्ट है और आपका 1300 में जाता है, और इसको हम सेंटीमीटर में मानते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में। कहीं भी आप कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हम ग्रेविटी किस में लेते हैं, तो सेंटीमीटर में, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूँ ग्रेविटी कैसे लेते हैं। ग्रेविटी लेने के लिए हाइड्रोमीटर को अगर प्रेशर पर रखते हैं और इसमें हम डाल देते हैं जो कैप के अंदर हमारा होता है, और इसमें से हम इसको उठाते हैं, छोड़ते हैं ग्रेविटी। जैसे छोड़ते हैं तो अपने एक पॉइंट पर हमारा जो पारा होता है उठने लगता है, और जिस पार्ट टूटता है उसी पार्ट पर हम इसको छोड़ देते हैं, और जैसे हम छोड़ते हैं तो इसका वो ग्रेविटी दिखा देता है। अभी देखिए हमने ग्रेविटी ले लिया है, और ये देखिए आपका ये 1300 दिख रहा है, देखिए 1300 दिख रहा है और ऊपर 1250 दिख रहा है। तो ये देखिए 1300 आपकी है, ये दिख रहा है 1300, ठीक है, आपका ये 1300 ग्रेविटी है। पर सेल का ऐसा हमारा होगा, ठीक है, और डिस्चार्ज होने में आपका 1150 आता है, 1100 आता है, ठीक है, और 20% चार्ज होता है तो 1120 ऐसे आते हैं। देखिए पारा यहाँ उठा, हमने छोड़ दिया, अब देखिए आपको कितना दिखा रहा है, 1300 दिखा रहा है, और करीब लाइए, दिखा रहा 1300, ठीक है, आ गया होगा 1300। तो ऐसे ही आपका सबका दिखाता है, सारे तकरीबन का आपका यही आएगा। आपका 1300 दिख रहा होगा, दिख रहा है, अभी हमने उठाएंगे देखिए तो 1300 पे आते ये पारा अपने आप उठ जाएगा, देखिए 1300 उठ गया, ये हमारी 1300 ग्रेविटी है, ठीक है, तो हमारी ये फुल चार्ज है, ठीक है। और अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि हम बैटरी बुक में हम कैसे लिखते हैं कि हमारी कितनी कितनी वोल्टेज आती है, कितनी ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ क्या करना है, तो जैसे देखिए हमारी ये हमने चार्ज बैटरी की लिखी, ठीक है, तो हमारी देखिए हमारी ये डिबुक होती है डिस्चार्ज बैटरी और चार्ज बैटरी की होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारा साइड होता है जिस साइड पर हम काम करते हैं, ठीक है, हमने साइड का नाम जो भी ए टू डेट होता है लिखते हैं, जिस डेट में हमने दिया, जैसे आज के डेट में हमने दिया 10, हमने ये 10 लिख दिया, ठीक है। और हमारी बैटरी किस में की है, तो हमारी इस साइड की बैटरी है, हमने इस साइड लिख दिया, ठीक है। टाइप्स कौन सी है, तो आइए मैं टाइप्स आपको दिखाता हूँ, टाइप्स कौन सी है,
ये देखिए हमारे टाइप्स जो हैं, टाइप्स हमारी ये लिखी हुई है, ये देखिए टाइप्स, ठीक है। तो ये देखिए वो जो लिखा है मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, FE 14, ठीक है, 24E XWBF13। देखिए जो टाइप्स में लिखा हुआ है वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारा टाइप्स है, ठीक है। हमारी बैटरी सीरियल नंबर क्या है वो हम जो भी नंबरिंग देते हैं 1, 2, 3, 4, जैसे हमारा ये 4 नंबर बैटरी है तो हमने 4 नंबर अपने हिसाब से जो मैंने किया है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है आपकी ये देखिए 480 की कैपेसिटी इसकी है, ठीक है। एच को कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई 480। वोल्टेज कितनी है, 48 वोल्ट की है, तो हमने लिख दिया 48 वोल्ट। अब हमने टोटल जो वोल्टेज लिया था आपको मैं दिखाता हूँ कि टोटल वोल्टेज जो हमने लिया था, ठीक है, हमने टोटल वोल्टेज लिया था कितना था, टोटल वोल्टेज 51.2 था। तो हमारा टोटल वोल्टेज जो कि हमने लिख दिया 51.2 वोल्ट, ठीक है। अब हमने पर सेल का जैसे वोल्टेज लिया था तो 2.12 आया था, 2.12 आया था, ऐसे तकरीबन सबका आया था हमने लिया था, मैंने लिख देते हैं, ठीक है। हमने ग्रेविटी जैसे लिया था सबका 1300 आया था, हमने लिख दिया 1300, ठीक है। ठीक है, तो देखिए हमने जो ग्रेविटी दिया था हमने ऐसे ले लिया, और जितना वोल्टेज लिया था हमने टोटल। और देखिए अगर आपने एक एक करके पर सेल का वोल्टेज आपने ले लिया और टोटल आपको लेने नहीं आ रहा, तो इन सारे वोल्टेज को जोड़ लीजिए, प्लस करके जोड़ लीजिए, सारे सारे आके इतना इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। कई बार तक लोग कन्फ्यूज होते हैं, हमने यार सबका ले लिया बट टोटल नहीं लिया, कैसे क्या करूँ, तो इन सबको जोड़ देना आपको, जैसे जोड़ेंगे आपको इतना वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। अब रिमार्क में होता है हमारा बैटरी कोई पुअर है, कोई सेल डैमेज है, तो मैं लिख देता सेल डैमेज। अब यहाँ देखिए मेरी बैटरी सही है, ओके है, तो हम लिख देंगे, लिख दें ओके, ठीक है, हम लिख देंगे ओके, ये हमारा सही है। अब यहाँ रिकॉर्ड में क्या होता है कि किसने लिया है, जो लिया वहाँ अपना नाम लिख देगा, ठीक है, उनका जो सुपरवाइजर है तो उनका सिग्नेचर यहाँ हो जाएगा। डिस्चार्ज बैटरी का हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगा होगा सबका वोल्टेज ग्रेविटी देखते हुए, ठीक है, और शायद नेक्स्ट टाइम में आपको भी दिक्कत नहीं होगी किसी बैटरी का वोल्टेज ग्रेविटी लेने के लिए, आप ऐसे ले सकते हैं। और भी आपको मेंटेनेंस से अगर रिलेटेड चाहिए या बैटरी सेफ्टी या मेंटेनेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, या कोई आपको प्रॉब्लम बैटरी हो या फिर मेंटेनेंस हो, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है। और हमारे नए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हमें और भी भाई को ये चीज़ मिले और वो भी इससे सीखें, ओके, थैंक यू भाई, आप लोग को मुझे सपोर्ट चाहिए, आप मुझे अपना सपोर्ट दीजिए, थैंक यू।